दोस्तों वीरदास नाम के कॉमेडियन ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर करी जो कि वायरल हो चुकी है टू इंडियंस नाम से। अब काफी लोग कहेंगे यस सर हम चाहते थे आप इसके ऊपर बात करें, उसको एक्सपोज करें, उसको पोल खोल दो उसकी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वीरदास से सहमत हूं, उसने जो बोला मुझे कुछ गलत नहीं लगा। और क्या भारत में रेप नहीं होते, दिक्कत नहीं कोई भारत में? अरे वीरदास कुछ आके बोल रहे हैं, तुम तो सब उसी के पीछे पड़ गए यार। क्या बोल दिया ऐसा वीरदास ने, क्या गलत बोला उसने? इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे ये बात करने आए हैं कि वीरदास जैसे कुछ कॉमेडियन बहुत ही चीप और फ्रिवलस तरीके से डीप सोशल इश्यूज को एड्रेस करते हैं। वो भी किन के सामने एड्रेस करते हैं? उन वेस्टर्न्स और अमेरिकन लोगों के सामने डिस्कस करते हैं जहां पर उनके घर की समस्याएं इंडिया से कई गुनी बड़ी हैं और उनके पास इन समस्याओं का कोई समाधान भी नहीं है। अगर इस घटना का दूसरा पक्ष देखा जाए तो जब वास्तविकता में इन सोशल इश्यूज के जो सॉल्यूशंस हैं, मतलब कि हमारा जो वैदिक कल्चर, हमारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, हमारी जो साधना है, वीरदास अपने कॉमेडी के दौरान इन सॉल्यूशंस को ही प्रॉब्लम का रूट कॉज बता रहा है। तो अगर हम वीरदास की कॉमेडी को अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वास्तविकता में वीरदास हीन भावना से ग्रसित एक व्यक्ति है जो कि चंद पैसों के लिए और थोड़े से फेम के लिए पेड़ की उसी डाल को काट रहा है जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है। आइए दोस्तों इसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्ण। आई कम फ्रॉम व्हिच इंडिया? आई कम फ्रॉम टू इंडियाज। दोस आर द इंडियाज दैट आई ब्रिंग ऑन स्टेज विद मी राइट नाउ। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. प्रिय वीरदास जी, मैं भारत से आता हूँ और दिन में औरतों की पूजा भी करता हूँ और रात में गैंग रेप नहीं करता हूँ। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी संवाद के अंदर जो बार बार वी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको कृपया ना करें। आप अपने सेल्फ ओपिनियन को पूरे भारत का ओपिनियन मत बनाइए। वीरदास जी, मैं इस बात को खुले दिमाग से स्वीकार करता हूं कि भारत में गैंग रेप होता है, पर मुझे यह बात अभी तक समझ में नहीं आया कि इस गैंग रेप का सुबह की देवी पूजा के साथ क्या कनेक्शन है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा, कोई ऐसा फैक्ट है जो इस बात को सिद्ध करता हो कि जो देवी पूजा करता है वो रात में गैंग रेप भी करता है? अगर आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है तो आप किस प्रकार से इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि जो देवी की पूजा करते हैं वो रात में गैंग रेप भी करते हैं? कहीं आप सटल रूप से ये तो नहीं बताना चाहते कि देवी की पूजा करना बेकार है, जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो सब रेपिस्ट होते हैं? अगर आप देवी पूजा के ऊपर उंगली उठाने के बजाय अगर आप ये कहते हैं कि भारत में रेप कल्चर बढ़ रहा है क्योंकि भारत में पॉर्न एडिक्शन बढ़ रहा है, भारत के अंदर OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर नग्नता और अश्लीलता बढ़ रही है, अगर आप ये कहते हैं कि बॉलीवुड के अंदर कामुकता को, लस्ट को बहुत खुल्लम खुल्ला प्रेजेंट किया जा रहा है, तो समझ में आता कि आप इस रेप कल्चर के रूट इश्यूज को डिस्कस करना चाहते हैं। पर बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आपने अपने 7 मिनट के संवाद के अंदर एक बार भी इस रूट इश्यू को डिस्कस नहीं किया। अगर एक बार को मान लीजिए कि अगर अमेरिका और इस प्रकार के देशों के अंदर अगर रेप कल्चर नहीं होता, वहां पर रेप पर बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया होता, तब तो समझ में आता कि भाई आदरणीय वीरदास जी भारत में होने वाले रेप को कैनेडी हॉल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि अमेरिकन लोग हमें सोल्यूशन बता सके। अरे जब वो खुदे परेशान है अपने यहाँ पर रेप की वजह से तो हमें क्या सोल्यूशन बताएंगे? अगर हम उनके देश के रेप रेट को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि अमेरिका के अंदर 35.85 रेप रेट है, वहां पे तो कोई देवी पूजा नहीं होती है। भारत जहां पर अनेक प्रकार की देवी देवताओं की पूजा होती है, यहां पर रेप रेट 2.44 है। प्यारे वीरदास जी, महिलाओं का सम्मान और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए यह हमें आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप वही वीरदास हैं जिन्होंने ट्वीट किया था कि मैं एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट करने वाली महिला के साथ सेक्स करना चाहता हूं और सेक्स करते करते मैं रुक जाना चाहता हूं ताकि वो महिला मुझे बोले कृपया ध्यान दीजिए। इससे समझ में आ जाता है सर, आपका वास्तविक कंसर्न महिला का सम्मान नहीं है, आप वास्तविकता में एक सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। इसको आप महिला सम्मान का आंचल ओढ़ के मत प्रकट करिए। I come from an India where journalism is supposedly dead because men in fancy suits and studios give each other hand jobs and yet women on the road with laptops are still telling the truth. I come from an India where we laugh so loudly in the comfort of our own homes that you can hear us through the walls and yet I come from an India where we break down the walls of a comedy club because you can hear laughter inside. दोस्तों मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पे 900 से ज़्यादा टीवी चैनल्स हैं जिसमें 400 से अधिक करंट अफेयर और न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं।
मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पे 118,200 से ज़्यादा पब्लिकेशंस जो बिना डरे अपनी बात न्यूज़पेपर में लिखती है, जिसे करोड़ों लोग पढ़ते हैं। दोस्तों मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पे 225 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स YouTube पे दिन रात अपने फेवरेट स्टार्स को देखते हैं, उनके वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। पर मैं हैरान तब हो जाता हूँ जब वीरदास जैसे लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में तो जर्नलिज्म डेड हो गया है, किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं है। क्या वीरदास जैसे लोगों को ये फैक्ट्स दिखते नहीं है या वो देखने चाहते नहीं है? सच बात तो ये है, वीरदास जैसे लोग इंडिया को भारतीय दृष्टि से नहीं देखते। वो देखते हैं कि BBC क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है। अगर न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर में छप गया कि इंडिया रेपिस्ट कंट्री है, तो बजाय सच जाने उसको मान लेना है। अगर BBC ने बोल दिया कि भाई इंडिया में तो इंटॉलरेंस बढ़ गया है, तो भाई सही बोला होगा। दुख की बात यह है कि ये इंडिया को देखते हैं अमेरिकन और ब्रिटिशर्स की नज़र से और बोलते हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं दी जाती। कैसी आज़ादी की बात कर रहे हैं? हम आए दिन देखते हैं किसी ना किसी मूवी में, किसी ना किसी टीवी शो एड्स में या किसी कॉमेडी शो में भारत का, भारतीय संस्कृति का, गवर्नमेंट का या भगवान राम माता सीता का खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें गाली दी जाती है। पर अगर कोई उनसे सवाल पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों बोलते हो, तो ये बोलते हैं कि हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ गाली देना ही रह गया या खुलेआम दूसरे का मजाक उड़ाना ही रह गया? दोस्तों हम तो उस संस्कृति से आते हैं जहाँ के वेद शास्त्रों की शुरुआत ही होती है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से, कि सोचो सवाल करो। और ये लोग बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति हमें बोलने का अधिकार नहीं देती। वास्तविक सच्चाई तो ये है कि वीरदास जैसे लोग इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के इतने ज्यादा शिकार हो गए हैं कि ये भारतीय संस्कृति को जानना समझना ही नहीं चाहते। इनको बस एक ही बात से मतलब है कि हमें तो ब्रिटिशर्स और अमेरिकन जैसा दिखना है। अगर अमेरिकन बोल देते हैं कि इंडियन पिछड़े हैं, तो हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक सच्चाई क्या है। I come from an India where we scoff at sexuality and yet fuck till we reach a billion people. तो वीरदास जी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी कंट्री ओपन नहीं है, वो ओपनली डिस्कस नहीं करती है सेक्सुअलिटी के बारे में। तो अगर वीरदास जी के हिसाब से हमारी कंट्री सेक्सुअलिटी के बारे में ओपनली डिस्कस करे, तो क्या आप सब तैयार हैं उसके रिपरकशंस को झेलने के लिए? चलिए US और UK की बात कर लेते हैं। US में हर 3 में से एक महिला ये बयां करती है कि उसे दिन में कोई ना कोई उसे सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। UK की बात कर लेते हैं। UK में जब ऑफस्टेड रिसर्च हो रही थी, तो 900 स्कूल्स की लड़कियां आके रिसर्चर्स को बयां करती हैं कि उनके साथ किसी ना किसी प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट किया गया ड्यूरिंग द स्कूल पीरियड या जब वो अपने घर में थी वाया स्टूडेंट्स। अब ये कौन से देश है भला? ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं क्या? नहीं, ये तो वही टॉप कंट्रीज है ना जिसको सब आइडियलाइज कर रहे हैं, सब एस्पायर कर रहे हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। इनकी हालत देख के तो समझ आ रहा है कि इनकी बहुत दयनीय स्थिति है, जहाँ पे लड़कियाँ ही सेफ नहीं हैं, उनके रेप केसेस इतने बड़े हुए हैं, उनके बच्चे जो स्कूल जैसा एक सेफ प्लेस है वहाँ पे बहुत अनसेफ है। और फिर वहाँ जैसे देशों में जाके ये अपना गुणगान व्यक्त करते हैं कि हमारा देश तो पिछड़ा है जी, वो तो अभी भी शर्मीला है सेक्सुअलिटी के बारे में बात करने से। जैसे कि मान लो उन्होंने कुछ तीर मार लिया हो, अब तब भी कुछ लोग ऐसी मानसिकता रखते हो कि भैया हमारा देश पिछड़ा है क्योंकि वो सेक्सुअलिटी के ऊपर बात नहीं कर रहा। तो फिर मैं आपको बता दूं कि एनिमल्स, कुत्ते आपसे ज्यादा एडवांस हैं। पर वहीं जहां हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स, हमारे वैदिक पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे स्क्रिप्चर्स हमें डायरेक्शन देते हैं कि हम कैसे सही तरीके से रेगुलेट कर सके इस लस्ट को, वहीं आप उसे हंसी मजाक और माइथोलॉजी करके साइड कर देते हैं। जस्ट बिकॉज वो आपके वेस्टर्न कंट्री से नहीं आ रहा, तो क्या वो फायदेमंद नहीं हो सकता? तो दोस्तों जाते जाते बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि कोई देश अगर एडवांस कर रहा है तो अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश को क्रिटिसाइज करने लगे, उसको ही पिछड़ा समझने लगे। और जहाँ से हमें सोल्यूशंस मिल रहे हैं, जहाँ से हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्व होने की क्षमता है, उसी को हम आउटडेटेड और मजाक करके साइड करते हैं। तो एडवांस हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने वैदिक शास्त्रों को लेके आगे बढ़ना है। तो जाते जाते मैं इतना बोलूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और हमारा एम है कि हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाएँ। इसमें हमें आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ हमारे इस मिशन में हमें हेल्प कीजिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो आप कंसिडर कर सकते हैं हमें डोनेट करने का। डोनेशन लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप हमें
डोनेट कर सकते हैं एक और नए तरीके से, जो कि है हमारी ये नई हुडीज या हमारी जो ये स्वेटशर्ट्स हैं उसे परचेज करके vrmisfit.com से। इसका कुछ परसेंटेज हमें हमारे चैनल को आता है ताकि हम अपना ये चैनल रन कर सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।